हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा गाइडलाइंस की। हरियाणा का लॉकडाउन 20 सितंबर तक बढ़ चुका है, तो क्या है नई गाइडलाइंस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके से लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हरियाणा सरकार ने रविवार को राज्य में चल रहे कोविड प्रेरित लॉकडाउन को 20 सितंबर तक बढ़ा दिया, कुछ छूटों के साथ जो पहले के आदेशों के अनुसार जारी रहेगी। तो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को एक और पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 6 सितंबर सुबह 5 बजे से जो गाइडलाइंस लागू हैं, वो 20 सितंबर सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने आवासीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आगामी शैक्षणिक स्तर से संस्थानों को फिर से खोलने की योजना के अपने पहले के आदेश को संशोधित कर दिया है और अब 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन रखने का आदेश जारी रहेगा। तो पहले जो स्कूल खोलने वाले थे, कॉलेजेस में क्लासेस शुरू होने वाली थी, अब वो 15 अक्टूबर के बाद उस पर संशोधन होगा। पहले के आदेशों में कुछ संशोधन करते हुए ये कहा गया कि राज्य में आवासीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है। छात्रों को आवासीय विश्वविद्यालयों में शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय 15 अक्टूबर को प्रचलित कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद ही किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकता है कि आउटसोर्स वाले सहित सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को पूरी तरीके से टीका लगाया जाए और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग जैसा ही मामला हो के साथ प्रगति साझा करें, ये भी आदेश में कहा गया है। हालांकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों के सख्त पालन के साथ छात्रों के लिए संदेह कक्षाएं यानी कि डाउट क्लासेस, प्रयोगशाला में व्यवहारिक कक्षाएं, व्यवहारिक और ऑफलाइन परीक्षाओं के खोलने की अनुमति होगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रावास केवल उन्हीं छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है जो परीक्षा दे रहे हैं। पहले के आदेशों के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अगले शैक्षणिक स्तर से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाई जानी थी, लेकिन अभी कुल मिलाकर यह है कि जो पहली गाइडलाइंस थी वो एज इट इज लागू है और जो नई गाइडलाइंस है उसमें सिर्फ विश्वविद्यालय और कुलपतियों को लेकर गाइडलाइंस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले जो कॉलेज खुलने वाले थे, अब उनको 15 अक्टूबर तक एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। अब इस कॉलेजेस में क्लासेस रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, हालांकि डाउट सेशंस हो सकते हैं और 15 अक्टूबर के बाद इस पे दोबारा फैसला लिया जाएगा कि क्लास ओपन होंगी या फिर कोविड की तीसरी लहर की संभावना के साथ ऑनलाइन क्लासेस ही चालू रहेंगे। तो ये थे दोस्तों हरियाणा की गाइडलाइंस। इसी तरीके से हर एक स्टेट की गाइडलाइंस और लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर।